نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي। सजदे सहव के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आज हम ये सीखेंगे कि सजदे सहव करने का तरीका जो है वो क्या है। इसमें चूंकि उलमा का थोड़ा सा इख्तलाफ है और वो सारे ही तरीके हम इसको देखेंगे। इसमें पहला तरीका ये है कि नमाज पूरी करके सलाम फेरने से पहले या सलाम फेरने के बाद अल्लाहु अकबर कह कर सजदे में जाएं। सजदे में सजदे वाली दुआएं और तस्बीहात में से जो भी पढ़ लें वो दुरुस्त हैं। फिर अल्लाह यानी पहला सजदा किया, फिर अल्लाहु अकबर कहकर जलसा इस्तराहत करें यानी बैठ जाएं, उसमें रब्बे अग़फ़िरली पढ़ें, फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं और सजदे की तस्बीहात पढ़ें, फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से सर उठाकर कादे की शक्ल में बैठ जाएं, फिर दाएं और बाएं सलाम फेर दें। ठीक है, ये पहला तरीका है नमाज पूरी करके सलाम फेरने से पहले या सलाम फेरने के बाद जब दो सजदे सहव किए जाएंगे तो इस तरीके से किए जाएंगे। और सजदे सहव का ये तरीका जो है सही बुखारी की रवायत जो किताबुस्सलात में है और सही मुस्लिम की हदीस में जो है यही तरीका जो है ये बयान किया गया है। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका जो कुछ ज़ईफ़ अहादीस से ये तरीका भी मिलता है कि नमाज के आखिर में सलाम फेरने से पहले इसी तरह दो सजदे कर लें जिस तरह के पहले हमने इसका तरीका सीखा है, फिर इन दो सजदों के बाद कादे में बैठकर तशहुद पढ़कर दुआएं पढ़ें और सलाम फेर लें। ठीक है ना, एक ये तरीका भी हमारे माशरे में राइज है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादातर जो हदीस के उलमा हैं वो कहते हैं कि ये जो तरीका बयान हुआ है इस तरीके को बयान करने वाली तमाम अहादीस ज़ईफ़ हैं। और फिर इसकी जो बुखारी से एक चूँकि इसकी तस्दीक भी हमें मिलती है कि इब्ने सीरीन रहमहुल्ला से पूछा गया कि क्या सहव के सजदों के बाद तशहुद है यानी अत्तहियात और दुरूद शरीफ पढ़ना है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अबू हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु से मरवी जो हदीस है उसमें तशहुद का जिक्र नहीं है। तो इस वजह से इससे फिर हमें यही समझ आती है कि सजदे सहव के बाद सलाम फेर लेना ही अफजल है। अफजल बात यही है क्योंकि ये तरीका जो है सही अहादीस से साबित है और सजदा सहव के बाद तशहुद पढ़कर सलाम फेरने से भी सजदा सहव हो जाता है, चाहे ये तरीका जो है सही ज़ईफ़ अहादीस से अक्स क्यों ना किया गया हो, लेकिन सजदा सहव इस तरीके से भी हो जाता है। तो ये दोनों तरीके जो हैं हमें समझ आते हैं। तो फिर इसके बाद लेकिन सजदा सहव का गलत तरीका भी एक है जो आम तौर पर हमारे माशरे में जो है वो राइज है, और गलत तरीका ये है कि तशहुद दुरूद और दुआ के बाद सिर्फ एक ही तरफ सलाम फेर कर सजदा सहव करना जो है ये साबित नहीं है। ठीक है, यानी सहव करने का गलत तरीका ये है। तो इसलिए इस तरीके से जो है हमें बचना चाहिए और कोशिश हमें ये करना चाहिए कि हम अफजल तरीके को इस्तेमाल करें जो सही अहादीस से साबित है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही अहादीस के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।